गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में सफेद फॉर्च्यूनर में गाड़ी से उतरते ये शख्स बंदूकधारी गार्ड्स की इस तरह की तैनाती और पुलिस के सख्त इंतजामों के बीच उतरते ये माननीय उत्तर प्रदेश के पूर्व एमएलसी और बाहुबली ब्रिजेश सिंह है। उसरी चट्टी कांड में ब्रिजेश सिंह मंगलवार को गाजीपुर की अदालत में पेश हुए। पेश होने से पहले अदालत के रास्तों पर पीएसी और पुलिस को तैनात किया गया। गाजीपुर की कोर्ट में सालों बाद ऐसा मौका था जब ब्रिजेश सिंह खुद पर हुए एक मुकदमे के मामले में अपनी ही गवाही देने पहुंचे हों। साल 2001 के उसरी चट्टी कांड में ब्रिजेश सिंह और मुख्तार अंसारी को अदालत में पेश होने के लिए 10 जनवरी की तारीख दी गई थी। इस तारीख पर ब्रिजेश सिंह वाराणसी से गाजीपुर पहुंचे और यहां पर सख्त सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश हुए। वही मुख्तार अंसारी को मौसम का हवाला देते हुए बांदा के जेल प्रशासन ने जेल से निकलने की इजाजत नहीं दी। मुख्तार अंसारी को बांदा से यहां लाया जाता जिसके बाद उनकी गवाही होती और इस मामले पर अदालत अपनी आगे की कार्रवाई करती। लेकिन तमाम तय तारीखों और तमाम वारंट्स के बावजूद मुख्तार अंसारी फिलहाल पेश नहीं हुए। अब मुख्तार की पेशी कब होगी इसे लेकर संशय बना हुआ है। मुख्तार के वकील ने इससे पहले ये कहा था कि मुख्तार की जान को खतरा है इसलिए वो अदालत में नहीं आ सकता। कोर्ट में अगर पेशी करानी है तो सीआरपीएफ से सुरक्षा करानी होगी। इस पूरे मामले पर अभी दोनों पक्षों के वकील का बयान आना बाकी है। फिलहाल अदालत में ब्रिजेश सिंह की ओर से गवाही दे दी गई है। मुख्तार का पक्ष क्या है इस पर कानूनी कार्रवाई बाकी है। मुख्तार कब पेश होगा इसे लेकर पूर्वांचल में कई चर्चाएं हैं। सालों बाद ऐसा मौका है जब मुख्तार और ब्रिजेश सिंह के गोल आमने सामने अदालत में होंगे। शायद इसे लेकर पूर्वांचल में इसीलिए ज्यादा गहमा गहमी है। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन की रिपोर्ट।